आपने बहुत बार देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री मेंटेन करने के लिए लोग यूज़र फॉर्म बनाते हैं, डेटा एंट्री फॉर्म के नाम से होता है। अगर आपने ऐसा भी कुछ अपने एंड्रॉयड फ़ोन से करना है डेटा एंट्री फॉर्म एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, तो उसके लिए अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन है तो उसके थ्रू अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। अगर प्ले स्टोर में आप जाएंगे वहाँ पे सर्च करना पावर एप्स, पावर एप्स में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑफिस 365 के क्रेडेंशियल से लॉगिन करके आप यहाँ पे डेटा एंट्री फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। ये मान लीजिए मेरे पे एक्सेल फाइल है, इसको मेरे को रेंज को टेबल में कन्वर्ट करना होगा, इंसर्ट से भी कर सकते हैं या कंट्रोल टी शॉर्टकट की है उससे भी कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, इसको सेव कीजिए, यहाँ से बंद कर देते हैं। अब इस फाइल को अपलोड करना होगा वन ड्राइव में, वन ड्राइव मैंने यहाँ पे एक्सेस कर रखा है तो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, ये मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, ये मेरी फाइल यहाँ अपलोड हो गई, ये देखने में लग गई। अब इसके हेल्प से हम चाहें तो पावर ऐप में जाके अपना एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं डेटा एंट्री मेंटेन करने के लिए। उसके लिए क्या करना होगा, ऑफिस 365 के पोर्टल पे जाइए, पोर्टल पे जाएंगे तो आपको ऐप का आइकन दिख जाएगा पावर ऐप। पावर ऐप में जाने के बाद ऐप्स में जाएंगे, न्यू ऐप में जाएंगे, ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो जैसे ही ओपन हो जाए यहाँ पे तो यहाँ क्या करना होगा, वन ड्राइव आइकन पे क्लिक करना होगा। वन ड्राइव आइकन पे आप क्लिक करके अगर आप चाहें तो यहाँ से ये रहा फाइल, फाइल के नाम आ जाएगा, वहाँ से ओपन करेंगे तो ये आपके लिए बिल्ड कर देगा। ये देखिए हो गया, मेरा टेबल वन आ गया यहाँ पे, जैसे मैंने वहाँ से टेबल क्रिएट किया था, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए होने लगा बिल्डिंग, तो ये मेरा ऐप बन के अब तैयार है हो गया। इसको हम कस्टमाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो वीडियो मेरी बहुत डिटेल में हो जाएगी। अगर इस पे रिव्यू अच्छा रहा तो इसके पे डिटेल में भी बनाऊंगा वीडियो। यहाँ पे आते हैं, बेसिकली कस्टमाइज़ क्या कर लेते हैं, इसका टाइटल कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाइए माई अटेंडेंस ऐप ले कर लेते हैं, क्लिक किया, यहाँ पे फाइल पे चलिए और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। इस ऐप को ऐप हो गया, इसका क्लाउड पे डालना है या आपको अपने पर्सनल कंप्यूटर में सेव करना है आप कर सकते हैं। ये मैं नाम दिया माई अटेंडेंस ऐप और इसको यहाँ से कर दिया सेव। अब चलिए अब इसको एंड्रॉयड फ़ोन पे लॉगिन करके देखते हैं कि कैसे आता है हमारा। ये मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया, सर्च करता हूँ, ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से आप सर्च करके पावर ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने ओपन किया ये देखिए मेरा ऐप आ गया, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड ऐसे करके दिखेंगे। यहाँ से एक आइटम को अगर किसी को सर्च करना हो तो यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। देखिए टैप कीजिए और इसकी पूरी, यहाँ से अगर हम चाहते वैल्यू को एडिट करना, ये रहा एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते न्यू रिकॉर्ड ऐड करना तो ये प्लस का साइन है, प्लस के साइन में यहाँ पे आकर के आप डिपार्टमेंट वाइज कुछ भी चीज़ें अगर आप डिपार्टमेंट वाइज जैसे मर्जी वैसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने कुछ रिकॉर्ड दिया, यहाँ पर कुछ नाम ले लेते हैं शास्त्री, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दीजिए और यहाँ से कीजिए सेव। बस ये आपका रिकॉर्ड सेव हो गया, ये आपका एंड्रॉयड में बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा डेटा एंट्री के तौर पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।